दोस्तों ये मारुति इको का इंजन उतार लिया है, बिल्कुल इंजन पूरा इंजन का काम कर रहे हैं इसका। और ये भाई काफ़ी स्पेशल है क्योंकि सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी दूर से आए हैं मेरे पास। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके कार में एक बार फिर से। तो देखो दोस्तों ये है मारुति इको और इसका इंजन फेल हो चुका है देखो, लेकिन इसमें देखो क्या कंडीशन हो रही है। रेस दे, ये देखो रेस देने पर इंजन की आवाज़, देखो इंजन में आवाज़ भी है प्लस पॉइंट है बस। और ये देखो ये वाइब्रेट कर रहा है इंजन, एक्सीलेटर देते हैं मतलब है ना पेट्रोल पे जो। तो और ये गाड़ी काफ़ी दूर से आए हैं और देखो रेस दे, बस क्या हाल हो रहा है गाड़ी का, बहुत अच्छा और साइलेंसिंग कंडीशन आप देख लो। ये देखो बिल्कुल आयल आयल ही आयल भरा पड़ा है इसमें, ये देखो प्योर आयल भरा पड़ा है इसमें। और ये गाड़ी की वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये भाई काफ़ी दूर से आए हैं, बहुत दूर से यानी वीडियो यानी हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी दूर से आए हैं, तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसका इंजन उतार लेता हूं। देखो दोस्तों चलो इंजन उतारो। दोस्तों ये मारुति इको का इंजन उतार लिया है, बिल्कुल इंजन पूरा इंजन का काम कर रहे हैं इसका। और ये भाई काफ़ी स्पेशल है क्योंकि सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी दूर से आए हैं मेरे पास, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा कि कहाँ से आए हुए हैं, कौन से राज्य से आए हुए हैं। काफ़ी दूर से आए हैं और पूरा इंजन इनका, ये मान के चलो पूरा इंजन का काम हो रहा है इनका, ये पूरा इंजन ख़त्म हो चुका है। और भाई ये मान के चलो यानी सिर्फ भाई ने एक बार फ़ोन करके बोला कि मैं आऊँगा, फिर मैंने कहा ठीक है आप आ जाना, इतनी सी बात हुई और भाई रियल में आ गए। मतलब सिर्फ इतना सा बोला कि मैं आऊँगा और मैंने बोला ठीक है आ जाना आपका काम हो जाएगा, और भाई सीधे यानी कि मान के चलो एक रात और एक दिन गाड़ी चलाई है भाई ने। हाँ मतलब एक रात गाड़ी चलाई, एक दिन तो नहीं, एक रात पूरे रात फिर सुबह पहुँच गए थे। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं देखो गाड़ी कहाँ से आई है और क्या क्या इसमें प्रोसेस है जो है, तो आपको पूरा दिखाएंगे। चलो बोलते हैं पहले इसको बिखेरते हैं, देखो क्या क्या ख़त्म निकलता है वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों पूरा बिखेर लिया है, बिखेरा जा रहा है पूरा। और ये देखो कितना काला हो रहा है, मतलब इसमें लेयर जम चुकी है बहुत गंदी। और एक चीज़ और बताओ, देखो खैर लड़कों ने खोली जो कैम के बोल्ट है ना इसके, इसके मान के चलो कम से कम दो तीन तो ढीले ही मिले हैं, मतलब बिल्कुल लूज पड़े हुए थे। मतलब इंजन का हाल बहुत बुरा हो रहा है और देखिए किस कदर मतलब आयल उठाने की, तो मैं बता दूँ इतना भयंकर उठा रहा है इंजन आयल के मान के चलो। ये देखो ये उंगली थी और ये देखो गीली होकर आ गई उंगली, आयल तो इतना भयंकर उठा रहा है। ये देखो मतलब साइलेंसर आयल से भरा पड़ा है, मतलब स्टार्ट करते हैं आयल फेंकना चालू कर देती है। और भाई देखो आपको नंबर दिखा देता हूँ, भाई है नहीं कस्टमर, देखो नंबर थोड़े बहुत ही दिखा देता हूँ मैं, देखो पूरा तो नहीं। GJ8BB यानी ये गुजरात से आई है गाड़ी, और भाई ये मान के चलो यानी इतनी दूर से आ गए तो इनका काम भी ऐसा करके दूंगा एक नंबर। और आपको पूरी एक एक चीज़ बताऊँगा भाई इंजन के काम में क्या क्या काम होना होता है, और जितना हो सका मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। और ये भाई हैं, ये रहे भाई भी आ गए। हाँ जी कहाँ से आए आप? ये भाई गुजरात से आए हुए, मतलब गाड़ी को ये देख लो। और एक और भाई है इनके साथ, एक और है ना वो भी हैं, उनका भी दिखाऊंगा। अब इसको इंजन को आज तो खोल रहे हैं, कल इसको लेके जाएंगे बोर वाले के, हेड हेड वाले के डालेंगे और ब्लॉक बोर वाले के डालेंगे। तो चलो खोल लेते हैं दोस्तों, ताकि भाई को भी हम ज़्यादा दिन नया पटके नहीं रख सकते इनको भी गुजरात भेजना है जल्दी से जल्दी तैयार करके। तो चलो खोलते हैं। ये है इको का हाल, ये देखो पिस्टन में पिले देखो कितने ज़्यादा। तो ये इको का हाल हो रहा है, बहुत भयंकर आयल उठा रही है और ये बहुत बुरा हाल हो रहा है इसका। ये देखो पिस्टन की चाल पास ना, मोबाइल बिल्कुल पास ले जाए, बिल्कुल ख़त्म पिस्टन, बिल्कुल ख़त्म। तो चलो करते हैं इसका काम। ये देखिए दोस्तों लड़के सफाई कर रहे हैं इंजन की। अब ये देखो इसमें देखो ये ओरिजिनल MGP के पिस्टन, बिगिन मेन थ्रस्ट वाशर सब कुछ नया है, प्लस बाकी का सामान अंदर धरा है। एक एक फिट होएगा, एक एक दिखाऊंगा। अभी इसकी धुलाई का काम हो रहा है, ये सब धुलाई वगैरह हो जाएगी तो इसको फिट करूँगा, क्योंकि देखो भाई गुजरात से आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं, तो भाई का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बस शॉर्ट शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। जिससे ये देखो ओरिजिनल MGP का सामान, क्रेन का ब्लॉक का सारा स्लीव आराम से देखो फिट होकर आई है इसमें। ये देखो स्लीव बिल्कुल नई डली है, सब कुछ मतलब एक नंबर ओरिजिनल चीज़ें डाल रहे हैं। तो चलो करते हैं, तो फिट करता फिर दिखाते हैं आपको। देखो
देखो दोस्तों, सामान धुलाई करके रख दिया है, अब फिट करेंगे। तो सफाई चल रही है अभी भी। तो ये देखो दोस्तों, रिंगे अभी हम पिस्टन में डाल रहे हैं। तो देखो, एक एक चीज़ MGP की है, मतलब ऐसी बात नहीं, कोई भी चीज़ AC हो सादा कंपनी की, सब MGP के हैं, सब बिगेन पिस्टन। पिस्टन का डिब्बा मैं दिखा देता हूँ, देखो इसमें पुराने पिस्टन पड़े हुए हैं, अभी लेकर आए। ये देखो, ये और ये कस्टमर है भैया, यही कंपनी का डाल रहे हैं अपन सामान, ये अपन वहाँ से लेकर आए थे जयपुर से, ये जिनकी गाड़ी उनके सामने डाल रहे हैं, ये देख लो। तो चलो करते हैं इसका पिस्टन पसाना का काम, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर टाकने का भी काम बाकी दोस्तों, बहुत टाइम लग रहा है। देखिए दोस्तों, इंजन आधा कंप्लीट हो चुका है। ये देखो वाटर बॉडी वगैरह सब ये डाल दी, सब ये भी नए डाले हैं, इंजन आधा कंप्लीट हो चुका है। तो चलो करते हैं इसको बाकी, हेड आना बाकी है, अभी हेड आता है, फिर हेड आने के बाद में हेड रख के सीधा गाड़ी में टाकेंगे, फिर आपको दिखाएंगे गाड़ी में कंप्लीट होने के बाद। अभी देखो ये वाटर बॉडी वगैरह सब नई डाली है, देखो सब नया डाला है, मतलब ऐसा जो भी आइटम है ना, यानी ये वाटर बॉडी एक ऐसी चीज़ है, देखो इंजन के टाइम पर अगर ये ख़राब होती है ना तो ही डालते हैं, लेकिन मैं क्या है, मैं डालता ही हूँ, क्योंकि मेरे को चाहे ख़राब हो चाहे सही हो। अब जैसे इसकी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो इसकी खाएं, ये रही इसकी, में कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कभी ख़राब है। ये देखो, ये देखो, ना कोई बेरिंग में आवाज़, ना कोई बेरिंग में आवाज़ है, ना कुछ है, सब कुछ ठीक है। सिर्फ इसमें हल्की सी, मेरे को हल्की सी पिले महसूस हो रही, तो उसकी वजह से मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ताकि ये जैसे मान ली भाई ये अभी 6 महीने चल जाएगी, लेकिन मैं हटा रहा हूँ फिर भी। तो चलो कंप्लीट होने देते हैं, देखो गियर की सफाई हो रही है, ये सब कंप्लीट होगा फिर टाक देंगे सीधा। तो ये देखो दोस्तों, इंजन पूरा ऊपर चढ़ा दिया है, और जहाँ जहाँ भी इसमें वायरिंग में प्रॉब्लम है वो सारी वायरिंग की प्रॉब्लम भी हटवा रहे हैं, और ये एल्बो है ना, ये भी हमने नई डाल दी, पुरानी थोड़ी मेरे को ऐसी लग रही थी, तो मैंने कहा नई डाल दूँ। तो कंप्लीट है इंजन, बस अभी वायरिंग वगैरह करनी बाकी है, और इसके बाद में स्टार्ट करना बाकी, तो मैं वायरिंग वगैरह ये कंप्लीट करवा लेता हूँ पूरी। देखो वायरिंग में, वायरिंग पे ज़्यादा पता मैं ध्यान क्यों देता हूँ, देखो वायरिंग पे मैं इसलिए देता हूँ दोस्तों, क्योंकि वायरिंग एक ऐसा मात्र एक ऐसी चीज़ है जिससे गाड़ी रास्ते में जल्दी बंद होती है, और वायरिंग है ना अपने को बहुत बड़े बड़े नुकसान दे सकती है वायरिंग, क्योंकि वायरिंग क्या, अगर एक भी वायर इधर में तो बॉडी में अगर टच हो जाए या और कुछ हो जाए ना, तो सीधा ECM उड़ती है, ECM उड़ती है और बड़े नुकसान। तो ECM देखो सस्ती चीज़ नहीं, काफ़ी महंगी, इसीलिए मैं ज़्यादातर वायरिंग पर ध्यान देता हूँ। मैं हर एक गाड़ी का यानी इंजन करने के बाद में पहले वायरिंग चेक करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि वायरिंग प्रॉब्लम है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, मैं लगा देता हूँ भाई। ये देखो, ये कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, कि ये नहीं है कि 2-5 हज़ार ही लग जाएंगे, 1500 काम होते हैं ये। तो चलो करवाते कंप्लीट, तो चलो फिर उसके बाद में स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों गाड़ी पूरी कंप्लीट है, तो अभी एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो स्टार्ट, देखो कितनी प्यारी हुई है, ये देखो दोस्तों पूरी गाड़ी कंप्लीट है, बस अब वायरिंग का इनका काम हो रहा है, और थोड़ा बहुत है, यानी दोस्तों देखो आवाज़ इतनी प्यारी है कि मैं अपने कानों में सुन रहा हूँ ना, जो तो इतनी प्यारी आवाज़ लग रही है। ये देखो भाई भी लगाए बैठे हुए, भाई भी, यानी आवाज़ इतनी प्यारी है गाड़ी की, बहुत प्यारी, मोबाइल में पता नहीं कैसी आ रही है, लेकिन काफ़ी बेहतरीन आवाज़ बनी है। और ये आई थी जब बहुत भयंकर धुआं देती हुई आई थी, और इंजन की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म थी। तो चलो अभी हम टेस्ट ड्राइव लेकर दिखाएंगे, फिलहाल इसमें क्या पानी वगैरह अभी कंप्लीट डाला नहीं है, तो सारी चीज़ें डालने के बाद आपको कंप्लीट करके और फिर टेस्ट ड्राइव लेकर दिखाता हूँ। जो तो अभी तो बहुत प्यारी है ना, स्टार्टिंग भी एक नंबर हुई है गाड़ी की, हाफ सेल्फ में स्टार्ट हुई है, और पेट्रोल पर ही है गाड़ी अभी, तो CNG इसमें अभी नहीं, ख़त्म हो गई भाई की आने में ही, मतलब रास्ते में ख़त्म हो गई थी, तो भाई ने पेट्रोल पर लगाई थी आते टाइम, तो पेट्रोल पर बिल्कुल ये मान लीजिए 20 की स्पीड में चल के आई थी आते टाइम। पेट्रोल पर कैसी चल रही थी, 20-30 की स्पीड, इससे ज़्यादा नहीं भाग रही थी ना। चलो दोस्तों कंप्लीट कर दिए, इसमें पानी वगैरह कूलेंट वगैरह डाल देते हैं अच्छे से, फिर चला के दिखाएंगे। तो देख लो आते टाइम तो भयंकर धुआं थी इसमें, अब देखेंगे देखा साइलेंसर की क्या कंडीशन है, क्योंकि वैसे तो देखो ख़त्म हो चुकी है, बाकी मज़ा आएगा, मतलब एक नंबर कस्टमर को भी मज़ा आएगा, भाई भी बहुत खुश हैं दोनों के दोनों, 3-4 दिन से यहीं हैं, लेकिन अब उनको सुकून मिल गया और काफ़ी बेहतरीन लगा उनको भी। तो चलो अभी कंप्लीट करते हैं, फिर भाई का भी रिएक्शन देंगे आपको, देखो क्या भाई को क्या प्रॉफिट हुआ इतनी दूर से आने में। तो गाड़ी पूरी कंप्लीट है, हम टेस्ट ड्राइव के लिए ले आए हैं, और काफ़ी दूर तक आ गए, ये भाई साथ में हैं दोनों। हाँ जी, कैसे लग रही है, मतलब गाड़ी चलने में अब कंप्लीट चल रही है, बढ़िया लग रही ना, पहले कैसे आए थे आप चल रही थी जब, पहले वो 30-40 में चल रही थी, मतलब पहले आए थे जब कितनी स्पीड में चला रहे थे, 30-40 की स्पीड में आए थे सर जी, जो भी आधे रास्ते में आकर फेल हो गई थी गाड़ी,
और अब देखो यानी एक सेलअप में स्टार्ट और ये चेक इंजन लाइट देखो इसलिए आती हुई, इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी फिट है ना, ये शुरू से आ रही नहीं लाइट आपके। हाँ तो ये देखो, तो चलो कंप्लीट है गाड़ी और काफ़ी सॉफ्ट यानी एकदम स्मूथ यानी चलने में भी। तो ये देखो तो हम भाई की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके कंप्लीट करते हैं, फिर भाइयों को रवाना भी करेंगे तो भाइयों से थोड़ी बात भी करेंगे। तो पहले हम चला के देख लेते हैं थोड़ी बहुत बढ़िया अच्छे से, फिर चलते हैं दुकान पे, फिर भाइयों से बात करेंगे। बाकी गाड़ी एक नंबर बनी, काफ़ी बढ़िया चलनी है, चलने में भी एक नंबर है गाड़ी। ये देखो मस्त यानी प्यार से यानी इतनी प्यारी चल रही है, काफ़ी बेहतरीन। तो चलो भाइयों को मज़ा आ गया, तो चलो दुकान पर चल के इनसे बात करते हैं, पहले चला के ले लेते हैं गाड़ी को, चला लेते हैं थोड़ी बहुत और टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं अच्छे से। दोस्तों ट्राई लेकर हम आ गए हैं, काफ़ी अच्छी चला के चेक कर लिया हमने बढ़िया अच्छे से। तो ये भाई हैं जो अब रवाना हो रहे हैं। हाँ जी, आपको कैसा लगा मतलब इतनी दूर से आके? बहुत अच्छा लगा और काम भी बहुत बढ़िया है ना, और बिल्कुल बजट में किया ना आपका। आपको वहाँ पे कितने बताए थे ईमानदारी से? हाँ तो 40-45 हज़ार मतलब 40-45 हज़ार है ना। तो ये देखो दोस्तों, अब मैंने खैर मैंने भी 30 हज़ार लगाए हैं ना, तो इसमें देखो मैंने पीछे का लेज़र वगैरह कर दिया, सारा कंप्लीट कर दिया यानी लाइट का वायरिंग का करवाया, इनके बल्ब वगैरह पीछे के, इनके आगे के हेडलाइट के बल्ब, पीछे के बल्ब यानी बहुत सारी वायरिंग का भी काम करवाया पूरा ए टू जेड, प्लस इनके लेदर डाले हैं, हैंड ब्रेक वगैरह कंप्लीट किया है सारा मतलब करके, और इनके 30 हज़ार के आसपास हुए। मतलब कि ये मान लीजिए इंजन में जो लगे ना वो तो इनके लग गए हैं करीबन 27 हज़ार के आसपास, 27 हज़ार के आसपास इंजन में लगे हैं इनके, बाकी का इनके और अदर काम में लगे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है, बढ़िया काम हो गया, तो गाड़ी पहले से काफ़ी बेहतर है ना अब। तो चलो चलो दोस्तों, देखो ये भाई हैं, इनके साथ भी वो आ रहे हैं जिनको हम रवाना करेंगे, तो चलो इनको भाई को भी रवाना करते हैं। गाड़ी काफ़ी बढ़िया हो गई, तो एक बार और मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। देखो ये देखो, चलो ये देखो यानी एक सेलब में स्टार्ट है गाड़ी, ये देखो एक सेलब में स्टार्ट, और भाई को भी मज़ा आ गया, तो इतनी दूर से आने में फायदा हुआ ना। हाँ बहुत फायदा, भाई भी काफी खुश है। 600-700 किलोमीटर से आए हैं। हाँ 600-700 किलोमीटर से आए हैं भाई, लेकिन हमने भाई का पूरा सहयोग किया, इन्हें 4 दिन मतलब यहाँ रही हैं ये, 4 दिन इनको सब चीज का व्यवस्था वगैरह सारी करवाई ना। चलो तो भाई को रवाना करते हैं, अब काफी लेट हो गए, तो फिर मैं करता हूँ आपसे बातें, भाई को तो रवाना करते थे क्योंकि पहुँचने में इनको रात हो जाएगी, इसलिए काफी लेट हो रहे हैं। इनको अहमदाबाद जाना है, वो सॉरी गुजरात है ना, गुजरात में कौन सी जगह जाना? दाहोद वहाँ पर जाना है इनको। तो चलो इनको रवाना करते हैं, फिर बात करते हैं इन भाइयों को। कंप्लीट है गाड़ी, एक नंबर बना के गाड़ी रवाना हो गई। देखो आई थी जब भयंकर धुआं दे रही थी, अब देखो। तो चलो भाई जा रहे हैं, अब हम भी काम करते हैं और दूसरा, फिर उसके बाद में बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों भाई की गाड़ी रवाना हो गई और काफ़ी बेहतरीन हमने गाड़ी बना दी, भाई को भी काफ़ी अच्छा लगा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी यानी बहुत दूर से मतलब 800 किलोमीटर से भाई आए थे, जिन्होंने हमारा विश्वास करके इतनी दूर से आए थे, हमने उसी तरीके का उनको काम करके दिया और भाई बहुत खुश हुए हैं। और देखो गाड़ी से ज़्यादा मेरे को फिक्र है ना उन लोगों की थी, देखो गाड़ी तो एक अलग चीज़ है, बट वो भाई है ना 4 दिन यहाँ रुके हैं ना, तो मैं 4 दिन तक मैं टेंशन में रहा। देखो मैं सच्चाई बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी परवाह गाड़ी की नहीं थी जितनी मेरे को उन लोगों की थी, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आए हुए थे और थोड़ा लैंग्वेज भी उनकी मेरे को, कोई कोई लैंग्वेज तो उनकी समझ में आती थी, कोई कोई मेरे ऊपर से जाती थी। तो बाकी भाइयों को मैंने सारी व्यवस्था करके दी, काफ़ी 4 दिन तक उनका पूरा ध्यान रखा, उनको कोई भी तकलीफ भी नहीं आने दी। पर यह मेरे को गाड़ी से ज़्यादा, देखो मैं सच्चाई बताऊँ, मैं उनको उनकी फिक्र थी, क्योंकि भाई भी थोड़ा यानी परेशान से रहते थे दिन भर, मतलब यानी उनको कुछ भी यानी कहीं जा भी नहीं पाते थे, वो अनजान था ना उनके लिए ये सब कुछ, तो थोड़ा मैं उनके साथ काफ़ी कुछ यानी टाइम स्पेंड करता था। बाकी भाई को मज़ा आ गया, गाड़ी एक नंबर बना के दी और जितना उन्होंने सोचा था उतने ही बजट में उतनी कंप्लीट की, मतलब इंजन के लिए तो वो आए थे लेकिन उनका जो और भी जो एक्स्ट्रा काम था ना उसकी उनकी गाड़ी में, मतलब ब्रेक वगैरह वायरिंग वगैरह यानी इतनी बुरी कंडीशन हो रही थी वायरिंग वगैरह की कि वो कहीं लॉन्ग रूट पर जाने के लायक नहीं थी, तो मैंने वो सारे काम करवा दिए ताकि वो गाड़ी कहीं भी लंबी चला सके और बढ़िया चला सके, मतलब आने वाले 2-3 साल उनको प्रॉब्लम ना आए। तो भाई बहुत खुश होकर गए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो जो मैकेनिकल नॉलेज होती है जो पब्लिक प्रॉफिट की होती है मैं मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ, जिससे पब्लिक का फायदा होता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है आपकी गाड़ी में तो आप मुझे कमेंट करें या फिर आप अबाउट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन से वीडियो के से मेरे नंबर ले सकते हैं, मैं आपको
बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।